बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड चला गाइस। ये ट्रेड लॉस में था और यहाँ पे देखिए कुछ ओपन पोजीशंस है, छोटी सी क्वांटिटी है 850 क्वांटिटी की, यहाँ पे 6,000 के आसपास सेम टर्म प्रॉफिट अभी चल रहा है। और यहाँ पे देखो आज का जो हमने प्रॉफिट किया है, टोटल रनिंग प्रॉफिट है, और 6,700 रुपये ऑप्शन में आ रहे हैं और 35,000 रुपये एस बी कॉल ऑप्शन में आ रहे हैं। टोटल 49,000 है और 6,900 के आसपास रनिंग है। 992 रुपये के आसपास का रियलाइज प्रॉफिट लॉस है लॉस आज का, बट साथ में कोई बात नहीं, पोजिशन अभी ओपन है। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में देखते हैं मार्केट क्या चलता है। एक्विजिशन सेटअप में हमेशा यूज़ करता हूँ, आपको मालूम ही है। और यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स में अगर आप देखेंगे तो एक अलग से सिग्नल मिलता है और हैकनेशी कैंडल में अलग सिग्नल मिलता है। 127 की मैंने ब्रिटिश में बेचिंग लगा रखी है और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। और अगर मैं हैकनेशी कैंडल्स को देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलती है और ट्रेड बेटर हो जाता है। लॉस और प्रॉफिट आपको दोनों लेने आने चाहिए। पोजिशन पहले लॉस में थी, लॉस की पोजिशन प्रॉफिट में कवर हो रही है और फिलहाल 5,893 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, 120 रुपये के आसपास है। मैंने बिड 127 की लगा रखी है आपके लिए। और मैं इस ट्रेड के हिसाब से ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने लॉस के ट्रेड्स को भी प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। शर्त है कि आपकी स्टडी क्या है वो इम्पोर्टेंट है और स्टडी के ऊपर बिलीव कीजिए। और स्टडी पर बिलीव रहेगा तो पैसा बनना है, पैसे बनने की गारंटी है, इसमें कोई भी शक नहीं होता। ऑप्शन चेन देख लेता हूँ मैं, ऑप्शन चेन का सिग्नल क्या है। ऑप्शन चेन का सिग्नल मुझे जब तक नहीं कहेगा एग्जिट करने के लिए मैं नहीं निकलूँगा। मुझे फिलहाल ऑप्शन चेन का सिग्नल है कि बने रहना चाहिए। फिलहाल तो एक बेस्ट ऑप्शन मुझे मिल रही है, 119 रुपये के आसपास चल रहा है ट्रेड। और ऑप्शन चेन बहुत क्लियरली मुझे कह रही है मैं होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को, तो आई एम होल्डिंग। और विद द सेटअप सिंपली है कि नहीं, आपको मैंने पहले दिया है, इसको वीडियो बना के दिया, आप इसको देखिएगा ज़रूर। और फिलहाल 6,700 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 127 रुपये के आसपास की मेरी इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ तक ये बिड चली जानी चाहिए। और देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, लर्निंग होने वाली है बहुत अच्छी तरह से। मैं हैकनेशी को इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वहाँ पे नॉइस खत्म हो जाती है। ट्रेंड लाइंस कुछ मार्क करके रखी है ताकि मुझे समझ में आए कि ये जो लेवल है, अब यहाँ से फर्स्ट टाइम एक सेल सिग्नल दिया है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया। और ये सबसे पहला एक लोअर हाई लगा तो मुझे लगा कि मैं कंसल्ट कर लेता हूँ ऑप्शन चेन से, और ऑप्शन चेन मुझे साफ साफ कह रही है कि अभी होल्ड कर सकते हैं, पोजीशन बनाई जा सकती है, पर यहाँ से एक स्टॉप लॉस रनिंग भी हो सकती है यहाँ पे, है ना। स्टॉप लॉस रनिंग बहुत आसानी से होती है, देखेंगे क्या बनता है पोजीशन। एक लोअर हाई तो बन गया है यहाँ पे और यहीं पे एक सेलिंग का सिग्नल आ सकता है। तो जब भी लोअर हाई बनता है तो आप देखेंगे, हालांकि पोजीशन वापस से 119 रुपये के आसपास आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 19,382 के आसपास निफ्टी चल रही है और ऑप्शन चेन का सिग्नल अभी भी क्लियर है। मुझे लगता है कि सब चीज़ें कंट्रोल में है फिलहाल और ज़्यादा टेंशन मुझे होगी नहीं, क्योंकि मेरा कोई इंडिकेटर नहीं है, मैं सिर्फ ऑप्शन चेन पे बिलीव करता हूँ। ऑप्शन चेन के अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, दैट्स ओनली लीडिंग इंडिकेटर विच आई बिलीव। और यहाँ पे फिलहाल पोजीशंस कंफर्टेबल हैं तो मैं अपने पोजीशंस को स्टिल होल्ड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 117 रुपये 116 रुपये के आसपास चल रही है। ये धन का अकाउंट है, इसमें मैंने ट्रेड डाला हुआ, छोटा सा अकाउंट है, जनता अकाउंट है, आप लोगों ने डाला था मैंने छोटा सा 70,000 के आसपास का मार्जिन इसमें डाला था मैंने अभी 4 दिन पहले ही, ट्रेड टेस्ट करने के लिए भाई कैसा है कैसा नहीं हो रहा है। और अभी तक मैंने इसमें कोई लॉस नहीं बुक किया है 4 दिन से। तो फिलहाल 115 रुपये के आसपास चल रही है, देखते हैं क्या पोजिशन बनती है। पूरा देखिए, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस वापस प्रॉफिट कम होते हुए 1,500 रुपये के आसपास का रह गया है, अभी 6,000-7,000 के आसपास का था। कोई बात नहीं, ये लोअर जो ट्रेंड लाइन है, लोअर सपोर्ट जो, उसको मैं देखूंगा यहाँ टेस्ट होता है कि नहीं होता है, और इसके टेस्ट होने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि मैं ऑप्शन चेन को देख रहा हूँ। कोई इंडिकेटर नहीं है मेरे सिस्टम के ऊपर, में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें होने वाली यहीं पे, देखिए पूरा का पूरा प्रॉफिट चला गया है। अब इस जनता क्या होगी, नॉर्मल जनता आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, राइट। अब मैंने ये जो जोन मार्क कर रहा हूँ, ये जोन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जोन है, इस जोन को ब्रेक करके बाजार नीचे जाएगा तो ही बाजार में सेलिंग आने वाली है, वरना ये नहीं आने वाली। ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और ये जो जोन अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ही हम सेलिंग में बैठने वाले हैं, वरना तो नहीं करने वाले। देखिए प्रॉफिट के 7,000 के प्रॉफिट को 2,300 के अभी फिलहाल लॉस में ये ट्रेड चल रहा है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग है गाइस, ये प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये स्टॉप लॉस हंटिंग है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा एक्सपीरियंस है। ऑप्शन चेन का डेटा मेरे लिए अभी भी सॉलिड है, 110 रुपये के आसपास आ गया। मैं यहाँ लॉस नहीं बुक करूँ, आप चाहें तो हैकनेशी सेटअप के हिसाब से लॉस बुक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिग्नल मिला और एग्जिट मिल रहा है, बट स्टिल आई विल होल्ड माई पोजिशन, मैं होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशन मुझे देखी हैं, जो मैंने देखी हैं, दे आर क्वाइट प्रॉमिसिंग। मुझे लगता है यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा, बढ़िया ट्रेड बनेगा, और वापस से पूरी अच्छी रिकवरी हो सकती है, बहुत ही बढ़िया रिकवरी हो सकती है। तो प्लीज़ बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए ये, बिल्कुल भी ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप मेरे ट्रेड को देख के कॉपी करें, छोटा सा ट्रेड है गाइस, इसलिए छोटे से मार्जिन के साथ ट्रेड करके दिखा रहा हूँ आपको कि
मैं मेरा ये 850 क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती थी, तो फिलहाल 112.50 के आसपास आ गया है। तो आप प्लीज़ बने रहें, देखते हैं, ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबके लिए बहुत लर्निंग होने वाली है इस ट्रेड के अंदर में। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही होने वाला है। जनरली मैं अपनी पोजीशंस किसी को दिखाता नहीं हूँ, बट ठीक है, लोगों को लगता है दिखाना चाहिए तो करते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं इसमें कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता हूँ कि लोगों को ज़बरदस्ती बताया जाए। अपने स्टॉक्स पाठशाला के DTC से लेवल ले लेते हैं कि लेवल क्या रहते हैं, निफ्टी क्या करने वाली है, निफ्टी के लेवल्स क्या हैं, ताकि जो हमारा ट्रेड बनने वाला है वो क्या बनेगा वो उसके ऊपर नज़र बना लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स फिलहाल क्या हैं, 19,520, चलो यहाँ से तो निफ्टी दूर है, 19,374 चल रही है, 321 का सपोर्ट है गाइस, 321 का सपोर्ट है। अगर निफ्टी हो सकता है इस लेवल को टेस्ट भी करे आज, कोई बड़ी बात नहीं है। 460 से ही लगातार गिरती हुई आ रही है, राइट, 460 से 321 के आसपास का सपोर्ट बता ले रहा है। तो यहाँ पे जो मेन खेल होने वाला है, अब यहाँ पे देखिए, ये एक लोअर ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की हुई है, तो यहाँ से मुझे ठीक सी रैली है। तो यहाँ सपोर्ट अगर देखें निफ्टी का, फ्यूचर निफ्टी ने 19,400 के आसपास बनाया है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये जोन है, जोन ब्रेक होगा तो बढ़िया तरीके से हम काम करेंगे। और यहाँ पे एक लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, और लेवल्स ये रेजिस्टेंस होने, इसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 480 के आसपास, मतलब निफ्टी मोटा मोटा 50 पॉइंट चलेगी, तो यहाँ से जो कॉल है हमारी कम से कम 25 से 30 पॉइंट चल जाएगी। तो उसी के लिए मतलब मोटा मोटा 115 से 25, 135-140 के आसपास भी ट्रेड जा सकते हैं। इसमें 127 के आसपास भी ट्रेड बुक करूँगा, 116 रुपये वापस आता हुआ ट्रेड, ठीक है। और फिलहाल इसमें पोजिशन बनी रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पोजिशन ठीक ठाक होने वाली है। मेरे लेवल का ट्रेड है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से है, मेरी स्टडी के हिसाब से है, मुझे इसमें कोई पैनिक नहीं होता दिखाई दे रहा है। होल्ड करेंगे, बिल्कुल लाइव है गाइस, बिल्कुल लाइव है, और बिल्कुल भी इसमें कोई बार रिप्लेस वगैरह नहीं है। ये सपोर्ट इसने लिया है, और यहाँ पे एक हायर लो फॉर्मेशन है, और एक प्रॉपर चैनल में निफ्टी ट्रेड करते हुए फिलहाल, तो एक अप ट्रेंड कहूँगा यहाँ से मैं, एक अप ट्रेंड की शुरुआत है यहाँ से इंट्राडे के लिए। तो ये सपोर्ट भी लिया है बहुत बड़े तरीके से, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद में 484 के लेवल तक मैं देखता हूँ, 480 के लेवल तक, मतलब कॉल ऑप्शन मेरी अच्छी खासी बिक जाएगी। तो कॉल ऑप्शन, ऑप्शन चेन का सिग्नल अभी भी ठीक है, ऑप्शन चेन के बिना तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरे चार्ट के ऊपर में कोई भी इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो RSI, नो MACD, नो सुपर ट्रेंड, नो समथिंग, नथिंग, नो बोलिंजर बैंड्स, नथिंग, आई कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। 19,350 की कॉल ऑप्शन में काम कर रहे हैं, देखिए अभी फिलहाल ये प्रॉफिट एग्जैक्टली वहीं से बाउंस कर रहा है, एग्जैक्टली वहीं से बाउंस हुआ, वापस से ट्रेड प्रॉफिट में आ रहा है। और ये सरप्लस हंटिंग थी गाइस, मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, सरप्लस हंटिंग है, दिस कम्स ओनली विद एक्सपीरियंस। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको बिलीव करना होगा, आपकी स्टडी पे बिलीव होना चाहिए। देखते हैं, मैं मेरा बिड अभी लगी रहेगी 127 के आसपास में, इस ट्रेंड लाइन को ठीक से मार्क कर देते हैं, और यहाँ से सपोर्ट की तरह काम करिए। और यहाँ पे भी एक हायर लो फॉर्मेशन और हायर हाई फॉर्मेशन के साथ में बाजार काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन में भी यही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के अंदर भी वही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन बिल्कुल सही सिग्नल देती हुई, और बिलीव कर रहा हूँ ऑप्शन चेन के सिग्नल को, कि ऑप्शन चेन जो मुझे कह रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ, तो ठीक है, चलिए होल्ड करेंगे ट्रेड को। और 127 के आसपास मेरी बिड लगी हुई है, देखते हैं क्या ट्रेंड मिलेगा और यहाँ से क्या ब्रेकआउट है। ये लेवल 120 रुपये का बार बार हर्डल मिली है, देखिए आप दो तीन बार हर्डल मिली है, आप देख सकते हैं, इसको रेड कर देता हूँ, थोड़ा थिक कर देता हूँ, ताकि समझ में आए आपको कि यहाँ से एक रिजेक्शन है। और ये लेवल ब्रेक होने का मतलब है कि सीधे से 132-133 के आसपास में ये जोन है, समझ लीजिए, ये जोन जैसे ही ब्रेक होगा, जहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, ये जोन ब्रेक होते ही आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से कम 130-132 के आसपास का टारगेट हिट होगा, और वो मेरा प्रॉफिट का जोन है, तो मैं 127 में खुश हो जाऊँगा गाइस, मेरी खुशी उतने में काफ़ी है। फिलहाल 3,000 रुपये का प्रॉफिट वापस है। देखिए ट्रेड को ना हैंडल करना होता है, ये नहीं होता कि आप पैनिक करें, बता दो तीन हैंडल रेड बनी आप पैनिक हो गए, और ये जब तक आप करा सीखेंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, राइट। चलो छोटी सी पोजीशन ज़्यादा नहीं है, 90,000 का मार्जिन यूज़ किया, 90,000 के मार्जिन से ही आज 25-30,000 रुपये बनाए हैं, तो रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं, और साथ में टोटल लॉट साइज़ भी कंट्रोल्ड है, ज़्यादा नहीं है, छोटे से लॉट साइज़ जो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा पोजीशन नहीं बनी, 800 क्वांटिटी है, 120 के आसपास से अगर लिया हुआ है तो सोच लीजिए कितनी पोजीशन इसमें हैं, कितनी मार्जिन इसमें यूज़ किया गया है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे 118 के आसपास वापस बैक टू पवेलियन, और हेकेनिशी का सिग्नल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है। ये सेटअप के ऊपर वीडियो आपको बना के दिए, वीडियो को जाकर देखा कीजिए, बहुत ही शानदार सेटअप है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान सेटअप है। नॉर्मल कैंडल्स में आपको नॉइस ज़रूर दिख सकती है, पर मैं दो चार्ट लगा लेता हूँ, ताकि मेरा एक आपके लिए कैंडल्स और एक मेरे लिए हेकेनिशी, ठीक है, ताकि आप नॉर्मल कैंडल्स में देखें और मैं हेकेनिशी में देखता हूँ, हेकेनिशी से ट्रेंड कंफर्म करेंगे, और जो नॉर्मल कैंडल्स है उसके जो नॉइस है, नॉइस को कट करने की कोशिश करेंगे, ताकि नॉइस में हम बिल्कुल भी नहीं फंसें।
यहाँ पे 119 रुपये गाइस, 119 रुपये, चलिए बहुत बढ़िया, 120 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नॉर्मल कैंडल्स में है, कि नहीं थोड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, फिलहाल 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और 128 के आसपास की बिड लगी हुई थी, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, और यही चार्ट के ऊपर ट्रेड करने का बहुत मज़ा है गाइस सबसे, इसलिए आजकल के डिस्काउंट ब्रोकर बहुत शानदार हैं। ये फायस का अकाउंट, आप फायस का अकाउंट का लिंक तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन में है, धन का फिलहाल नहीं है, धन का भी मैं फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ कि धन का अकाउंट कैसा है, अगर मुझे लगेगा अच्छा है तो फिर आपके लिए इसको अवेलेबल कर देंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिलहाल। राइट, अभी 120 रुपये 50 पैसे के आसपास करें, हाई 5,600 रुपये आ रहे हैं, दोबारा प्रीवियस हाई टूटेगा तो मेरा ट्रेड, मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा और बाजार वहीं से गिरेगा गाइस। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की कि बाजार 127 रुपये का, 127 से ज़्यादा 130-132 के आसपास हाई लगा के वहीं से गिरेगा। पर अगर ये गिरे, वीडियो आप पूरा देखें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि मेरी जो कन्विक्शन है, मेरी जो डेटा रीडिंग है, दैट इज़ इमेकुलेट, मतलब मुझे उस पर इतना भरोसा, 121 रुपये गाइस, 121 रुपये, 121 का यही लग गया। राइट, तो यहाँ पे मेरी जो डेटा रीडिंग है दैट इज़ सो श्योर, मैं आपको अभी एडवांस में ही, अभी 2:30 हुए, मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि मार्केट बंद होने से पहले 130-132 का ही लगेगा और वहाँ से बाजार एक पैक ऑफ कार्ड की तरह गिरेगा, धराशाही हो जाएगा, ध्यान रखना प्लीज़, बाजार वहाँ से गिरेगा, पर मुझे मेरे ट्रेड में प्रॉफिट बन के ही जाएगा, मुझे पहले प्रॉफिट होगा उसके बाद ही हम निकलने वाले 122 रुपये का, 122 रुपये 40 पैसे, और शानदार है, मज़ा आ रहा हो। आई होप ये कमेंट्री पसंद आ रही होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ट्रेड आपको डेली मिलेंगे, अभी तो मिलेंगे लाइव 16 तारीख तक तो फ्री में है यूट्यूब के ऊपर में, 123.50, उसके बाद पेड ट्रेडिंग में वापस से स्टार्ट कर दिया मैंने, जिसका लिंक आपको बहुत जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको वीडियो के थ्रू दे देंगे, आपको टेलीग्राम के थ्रू दे देंगे, 124 का ही हो गया भाई, 124 रुपये 20 पैसे, चलिए मज़े कीजिए, 9,300 रुपये, 9,400 रुपये प्रॉफिट, देखिए लॉस के प्रॉफिट को, लॉस के ट्रेड को किस तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट किया आपके सामने है, पेशेंस के साथ में। मेरे चेहरे पे आपको शिकन नहीं दिखाई दे रही होगी, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ऑप्शन चेन का डेटा, जो मैं अपनी ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेस में सिखाता हूँ। वो देखिए TTC भी क्या कहता है, अगर 110 के आसपास की मेरी एंट्री होती तो क्या टारगेट्स होने चाहिए थे, 110 के बाद 121 132, 121 चल रहा है, 123 रुपये 40 पैसे के आसपास, और 132 पे ये बाजार वापस से खत्म हो जाएगा, ये वापस से बाजार गिरेगा, ये ध्यान रखना गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी 2:34 हुए हैं, अभी ये ट्रेड लाइव है, आपके सामने प्रॉफिट बुक करूँ, और मार्केट बंद होने के बाद, अभी क्योंकि मुझे जाना है ट्रेड बुक करने के बाद में, मैं आपको ये बाज़ार एग्जैक्टली वैसा हुआ कि नहीं हुआ इसमें, फिर वो क्लिप बाद में, वो क्योंकि लाइव नहीं होगी अभी तो, लाइव है बाद में, वो क्लिप ऐड करके जाऊँगा, फिर आपको प्रॉपर वीडियो को अनकट, ऑलमोस्ट अनकट रहेगा। राइट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई शोर शराबा नहीं है आपके लिए कुछ भी, तो ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, अनएडिटेड वीडियो रहेगा बिल्कुल, पूरा देखिएगा। 126 रुपये और मेरा प्रॉफिट बुक होने वाला है गाइस 127 रुपये के आसपास में, बहुत ही जल्दी ये प्रॉफिट बुक, 11,000 का प्रॉफिट गाइस, एंजॉय कीजिए। देखिए ये होता है ट्रेड करना, कन्विक्शन के साथ ट्रेड करना, इसे कहते हैं ट्रेड करना। यहाँ से कैंसिल हो सकता है और हम इसको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस ट्रेड को। बाजार पैक ऑफ कार्ड की तरह गिरेगा नहीं गिरेगा, प्लीज़ 2:34 के आसपास पहले डिक्लेयर कर दिया, और मैं इन क्वांटिटी को एग्जिट कर रहा हूँ, 126 पे एग्जिट कर रहा हूँ, और ये एग्जिट के मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं गाइस, मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया है। अब मेरे हिसाब से ये हाई है, बाजार यहाँ से गिरना चाहिए और बढ़िया गिरना चाहिए, उसको मुझे जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा इस ट्रेड को नहीं लेके जाना चाहता, मुझे देखिए एरो मार्क हो गया है, तो कोई भी एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल लाइव है। राइट, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक टोटल 50,000 का प्रॉफिट है, 126 पे एग्जिट किया, 113 रुपये के आसपास की क्वांटिटी थी, कुछ क्वांटिटी हमने नीचे ली थी, 113 के आसपास हमने कुछ एंट्री एग्जिट की थी, तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ चेक हो गया है, और आप एंजॉय कीजिएगा, और प्लीज़ जाके ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो आज का ट्रेड मेरा पूरा, और आप एंजॉय कीजिएगा इस, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। देखिए मेरे ट्रेड के बाद में बाज़ार एग्जैक्टली गिरा है, और निफ्टी कहाँ से कैसे गिरी है, एग्जैक्टली ज़बरदस्त फॉल, ये वो टाइम था जहाँ मैंने आपको कहा था निफ्टी विल फॉल लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स, एग्जैक्टली देखिए 2:54 के आसपास, 2:34 के आसपास का ये ट्रेड था, देखिए ये हाई था बाजार का, और एग्जैक्टली इस टाइम के आसपास देखिए 2:34 के आसपास में मेरी एग्जिट हुई थी, आप देख सकते हैं ये एरो मैंने मार्क किया हुआ है 126 पे, 850 क्वांटिटी, अब ये देख सकते हैं एग्जैक्टली, उसके बाद थोड़ा सा बाजार ऊपर गया था, 138 तक भी गया हुआ, मैंने आपको कहा था चाहे 144 144 तक जा सकता है, पर मैं उससे पहले निकल गया था क्योंकि मुझे जाना था। अब यहां से बाजार ने जब गिरना स्टार्ट किया, इट फेल लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स, 140 का हाई लगाने के बाद में इस इंडेक्स ने, इस ऑप्शन ने 80 रुपये का लो हिट किया है,
निफ्टी आपके सामने, निफ्टी का क्या हाल हुआ ये देख लेते हैं। निफ्टी की जो पोजीशन रही है देखिए, निफ्टी एग्जैक्टली हाई लगाने के बाद 19400 हाई लगाया और निफ्टी फेल टू 19300, 100 पॉइंट निफ्टी गिरी। इट फेल लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स। लुक एट दिस, दिस इज द रीजन व्हाई आई टेल यू कि भाई ऑप्शन चेन बाप है, बाकी सब बकवास है, सब बकवास है। प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स सब कुछ बकवास है। 21 साल से बाजार में हूँ, बाजार में ऐसे ही पैदा नहीं हो गया हूँ मैं कि कल आपने देखा यूट्यूब चैनल बड़ा छोटा सा है, सब्सक्राइबर बड़े कम है ना, कल का आया हुआ लौंडा होगा। मैं कल का आया लौंडा नहीं हूँ दोस्त, है ना। मुझे आए हुए बाजार में 21 साल हो गए, 21 साल से बाजार में घिसा रहा हूँ, बाजार में पैसे भी दिए हैं, बाजार से पैसे लिए भी हैं, लगातार ले भी रहा हूँ। ये सब ये ट्रेड वेड आपको क्यों करके दिखाता हूँ मैं, इसके फेवर में कभी रहता नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम अपने नियरेस्ट फैमिली मेंबर्स को अगर ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, अपने सगे भाई से अपने अकाउंट शेयर नहीं करते हैं, अपने माँ बाप से पूरे अकाउंट शेयर नहीं करते, आजकल करते हैं आप लोग, नहीं करते ना, वहाँ शेयर नहीं करते। यहाँ दुनिया में ढिंढोरा पीटते फिरते में 2 करोड़ बनाए, 10 करोड़ बनाए, 5 करोड़, 25 लाख, कोई लॉजिक नहीं है बॉस। किसी दिन आपके अगेंस्ट में अगर कोई पड़ा ना पीछे आपके, तो आप रिग्रेट करेंगे कि आपको शायद पब्लिकली ये नहीं बताना चाहिए था क्या कमा रहे हैं। अपनी कमाई किसी को बतानी नहीं चाहिए, कहते हैं कि लड़कियों को अपनी उम्र और आदमियों को अपनी कमाई किसी को बतानी नहीं चाहिए, तो वही चीज़ है। मैं नहीं बताना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आपको बिलीव करना है। कीजिए, छोटे मोटे सैंपल्स जो हैं आपके लिए, छोटे या ये छोटा अकाउंट आप लोगों के लिए बना के रखा है मैंने, ठीक है। सैंपल्स आपको दिखाता रहूँगा, बड़े में क्या कर रहा हूँ, मेरे बड़े लॉसेज आप मुझे देने वाले नहीं हो, मेरा बड़ा प्रॉफिट आप मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, तो मैं आपसे क्यों शेयर करूँ मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। बिलीव करना है, कीजिए। आपको चैनल पे आना है, सब्सक्राइब करना है, करके देखिए आपकी मर्जी। आपको कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, यही मिलेगा, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस कोई चीज़ होती है। मंदी तेजी सब देखिए भाई, है ना, मंदी में अच्छे अच्छे लोग गायब हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग नए पैदा हुए लोग जो होते हैं सब गायब हो जाते हैं, समझो। अगर आपको याद हो कोविड में जो 30-40 लाख अकाउंट नहीं खुले थे, तो उनमें से बहुत सारे अकाउंट 2 साल के अंदर अंदर बंद भी हो गए, क्योंकि कितने लोग बर्बाद हो गए। रूल है टेक्निकल एनालिसिस का, स्टॉक मार्केट का, कि जितने लोग नए आते हैं उसमें से 90% तो एफएनओ में लॉस खा के भाग जाते हैं। जिंदा कौन रहता है? जिंदा वो रहता है जो कन्विक्शन से बाजार को समझता है, बाजार पे ट्रस्ट करता है। तो अगर आपको बाजार पे ट्रस्ट है तो भाई बाजार को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे तो हलवा नहीं है, हम खाएंगे वो मीठा हो जाएगा, है ना। पहले पकाना पड़ेगा और पकाने के लिए समय देना पड़ेगा। आई होप आज की ट्रेडिंग आपको पसंद आई होगी। ज्ञानबाजी फिर दोबारा से होती रही गाइस, अभी 16 तारीख तक तो लाइव सेशन सुबह 9 से 11 यूट्यूब पे ही रहेगा, उसके बाद पेड हो जाएगा। ये मेरे पेड अब नहीं कर रहा हूं मैं, ये 1.5 साल से पेड था, खाली 3 महीने का ब्रेक लिया था आप लोगों के लिए। फॉर्चुनेटली पहले से पेड ट्रेडिंग रूम थे और मेरे मूड का कुछ पता नहीं है, बट हाँ अभी क्लियर है कि मैं पेड ट्रेडिंग रूम स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ पेड ट्रेडिंग करेंगे, 200 लोगों मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं अपनी ट्रेडिंग पर्सनल करने वाला हूँ 9 से 11। उसके बाद 1-1.5 बजे के आसपास कुछ टाइम अभी सेटल करना है मुझे, उसके बाद लाइव आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, और जो हम सुबह कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस सब कुछ वो आपसे शेयर करेंगे, है ना। आपको आना है ट्रेडिंग रूम का जो चार्जेस है बहुत ही सिंपल सा है, महीने का प्लान है, 15 दिन का प्लान है, एक दिन का प्लान रहेगा 999 का। उससे अच्छा है आप 6 दिन यहीं पे फ्री में आप पैसे बनाओ, देखो आप क्या हम कैसे काम करते हैं। आज मैंने लाइव ट्रेडिंग अपनी खुद की, बट मैं सेशन में नहीं था, मुझे कोई काम था अर्जेंट, इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ था, तो मुझे लाइव सेशन आज मैंने नहीं किया। बट ये लगा लीजिए कि जो ट्रेडिंग रूम पेड रहेगा उसकी 1 महीने की फीस है 6,666 रुपये, और जो 15 दिन की फीस रहेगी 2 वीक्स का प्लान रहेगा वो रहेगा 4,200 रुपीज़ का। 1 डे का जो प्लान है वो 999 का है। जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आपको पेमेंट करनी, पेमेंट कीजिए 16 तारीख, मतलब मोटा मोटा शायद 17 तारीख के आसपास, कैलेंडर चेक कर लेते हैं, 16-17 तारीख से बेसिकली, राइट। तो 17 तारीख से ये पेड जूम मीटिंग में होगा, वहाँ पे लर्निंग एंड अर्निंग सीखेंगे, जो मुझे आता है आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ट्रस्ट है, सीखना है तो आ जाओ यार, 1 महीने लाइव बैठेंगे, लाइव सीखेंगे, मार्केट के सारे इंडिकेटर ट्राई करेंगे आपके, जो जो इंडिकेटर, जो जो स्ट्रेटजीज, वीडियो कॉल रहेगी सबसे अच्छी बात है, बात कर सकते हो, कहीं ट्रैवल नहीं करना, हजारों लाखों रुपए की फीस नहीं पे करनी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे लाइव, लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे, बहुत सारा पैसा बनाएंगे। सोचो मत, 6,000 रुपये महीने के कुछ भी नहीं होते, रोज के 200 रुपये, और शायद उससे ज़्यादा का आप एक दिन में लॉस कर देते हो। चॉइस इज योर्स, आना नहीं आना आपकी मर्जी है, मैं तो आने वाला हूँ। बाय बाय।